बलरामपुर हरैया सतघरवा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदनगर जुम्मन डीह का मजरा फकीरी डीह के ग्रामीणों ने रविवार को गांव में प्रदर्शन कर बताया कि ये गांव पहाड़ी नाला खैरहनिया के तट पर पड़ता है। बरसात के मौसम में बाढ़ के उफान का पानी गांव में घुस आता है और 20 वर्ष पहले लगा खंडजा धंस जाने के बाद बड़े बड़े गड्ढे बनने से तथा नाली ना होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी मुख्य मार्ग पर जमा है। गंदगी जल जमाव से निजात दिलाने की मांग को लेकर सभी ग्रामीण प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। ग्रामीण ओम प्रकाश पांडे, मनोज कुमार, मिश्री लाल, सीमा देवी, नीता देवी आदि ने प्रदर्शन कर बताया कि गांव में सफाई ना होने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है, जिससे मच्छर पनपने से बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। सड़कों पर जल जमाव होने के कारण गंदे पानी से होकर ग्रामीणों को गुजरना पड़ रहा है। गंदगी को साफ करने के लिए ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक व तहसील अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया गया है। सीमा कौन गांव राजा थे? जैसे आपके गांव में आज ग्रामीण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस उद्देश्य से? पानी भरा है, खड़ंजा नहीं, 20 साल पहले लाग रहा था। इसके बारे में इधर जैसे जाने का रास्ता जो है ये मुख्य मार्ग है हमारा, उधर पीछे बहुत सारे मतलब घर हैं, तो फिर यहीं पे गाड़ी रुक जाती, पूरी गाड़ी यहीं पे फंस जाती है, कोई उधर नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में आपने किसी अपने प्रतिनिधि को नहीं बताया? प्रतिनिधि को बताए, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। तो आगे क्या चाहते हैं आप? आगे यही चाहते हैं, अगर इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे का जो चुनाव है उसमें हम लोग क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे, मैं ग्राम पंचायत नंदनगर जुमंडी से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। ये गाँव का गली है जो कि विगत 20-25 वर्षों पहले इसमें खड़ंजा लगाया गया था, जो कि खड़ंजा बहुत पुराना होने के कारण जल भराव हो रहा है। गांव गलियों में नल का पानी भी रोका भी गिरता है, तो इस पर नाली और खड़ंजा की बहुत आवश्यकता है। हमने कई बार अपने प्रमुख जी से कार्ययोजना बना के दिया और पेपर में भी हमने देखा कि शायद बन जाएगा, फिर 2 साल बीत गया इंतजार करते करते, आज भी इस पर विकास कार्य कोई नहीं हुआ। हमारे बगल में पहाड़ी नाला भी है, आए दिन बरसात में पानी आता है और गंदगी होता है, गंदगी से बीमारियाँ भी बढ़ने की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।